आधार एक ऐसा सेवाभावी सामाजिक संगठन है जो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन कौशल और शोषण के खिलाफ बच्चों को सशक्त बनाता है। उड़ीसा के साथ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में काम कर रहा ये एनजीओ समाज को नई दिशा दिखा रहा है। संगठन ने बुंदेलखंड के बेटों को इतना मजबूत बना दिया है कि बच्चे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बुंदेलखंड की बेटियों के चेहरों पर आत्मविश्वास का नया सवेरा दिखाई दे रहा है। लड़की भर नहीं सब कुछ कर सकती, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं कि जो कहता है सामने आके कहे और उसका जवाब दे सके, हम अपने आप को प्रूफ कर सके, अगर तुम कुछ कहो तो हम लड़ सकते हैं। ये पिछड़े बुंदेलखंड की बेटियां नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी बेटियां हैं। खजुराहो में काम कर रही आधार संस्था ने अकेले खजुराहो में ही किशोरियों के 15 से ज्यादा क्लब बनाए हैं। इन क्लबों में लड़कियां खुद न सिर्फ सशक्त बन रही हैं बल्कि अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर भी आवाज उठा रही हैं। बीते कुछ सालों में चौखट से बाहर किशोरी अत्याचार के कई मामले सामने आने लगे हैं। इससे पहले बड़े से बड़े अत्याचारों का गला घोट दिया जाता था। बेटियां मजबूत ही नहीं काबिल भी बन रही हैं। गोमती और गायत्री दोनों बहनें हिंदुस्तान की नामी 5 सितारा होटल में हाउसकीपिंग और किचन जैसी महती जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। आधार ने इन्हें ट्रेनिंग देकर घर की चौखट से बाहर निकाला और इतना काबिल बना दिया कि आज समाज में उनके नाम इज्जत से लिए जाते हैं। कॉन्फिडेंस अपने आप में भी होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए अपने आप की और करने की। ऐसा लगता था कि जाए या ना जाए, क्या करें क्या ना करें, फिर लगा कि जिसको कहना है तो कहने दो। तो आज जॉब भी कर रहे हैं और वहाँ पे सम्मान भी मिलता है। बुंदेलखंड में ये बदलाव यूं ही नहीं दिख रहा बल्कि इसके पीछे आधार जैसी संस्था की 28 साल की मेहनत है। 2 दिसंबर 1992 में पश्चिम उड़ीसा के बलंगीर में बाढ़ और सूखा राहत के लिए अपने कामों की शुरुआत करने वाला एनजीओ आज देश के कई हिस्सों में बेहतर काम कर रहा है। बुंदेलखंड में साल 2011 में मेहरून सिद्दीकी ने इस संस्था से जुड़कर छोटी सी शुरुआत की थी। सबसे पहले झुग्गी में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कम्युनिटी डे केयर सेंटर की शुरुआत की। सन 2011 में मुझे लगा कि इन बच्चों के साथ मुझे काम करना चाहिए। तब मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे और मैंने तब उस समय 4 से 5 बच्चे मुझे मिले जो मेरे साथ 1-1.5 घंटे लगातार बैठते थे और उनसे बातचीत करते थे और उनको पढ़ने के लिए हम प्रेरित करते थे। आधार के सचिव उमाशंकर साहू और मध्य प्रदेश की अध्यक्ष मेहरून की कोशिशें रंग लाने लगी और देखते ही देखते 6 महीनों के अंदर 40 से 50 बच्चे इकट्ठा हो गए। जगह नहीं होने पर पेड़ के नीचे ही इन्हें पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। ये सिलसिला बढ़ता ही गया। तब से लेकर अब तक करीब 250 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया जा चुका है। आज खजुराहो में ऐसे 4 कम्युनिटी लर्निंग सेंटर चल रहे हैं। पढ़ने लिखाने से ये फायदा है कि थोड़ी थोड़ी गाँव नाव सब जानने लगे। और पहले जो बच्चे हमारे घूरे कूदते थे, कहीं कबाड़ी बीनते थे, कहीं बोतल ले आते थे, अब जब उनने बंद कर दिया, जब से जी मैडम जी आने लगी तो पढ़े जाते हैं। खजुराहो अपने पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पूरे साल देश विदेशों से सैलानी आते हैं। यहाँ के ज्यादातर बच्चे उनके पीछे घूमकर अपना वक्त गंवा देते थे। संस्था आधार ने गाइड एसोसिएशन, होटल और टूरिज्म से जुड़े अन्य कारोबारियों के साथ मिलकर खजुराहो को चाइल्ड फ्रेंडली बना दिया। अब बच्चे सैलानियों के पीछे नहीं बल्कि खुद अपनी नसीब लिख रहे हैं। आधार ने स्वामी विवेकानंद बाल सुरक्षा संगठन के नाम से बच्चों की एक फोर्स तैयार की है। ये बच्चे खुद बच्चों की हिफाजत और शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं बच्चों में से एक है हिमांशु शुक्ला। हिमांशु नवंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बुलावे पर स्विट्जरलैंड में यहाँ के बच्चों की परेशानियों को बयान कर चुका है। आधार के बढ़ते कदम दिन ब दिन कामयाबी की नई मंजिलें चुम रहे हैं। छोटे छोटे एरियाज में जाकर के, जैसे झुग्गियाँ हैं, वहाँ पे जाके उनके बच्चों से मिलते हैं, ये सब समझाते हैं। नशीले पदार्थ खुलेआम बेचे जाने लगे थे, उसमें वो बच्चों का भी हाथ ले रहे थे। एसपी सर के पास गए और उनसे अपनी सब समस्याएं बताई, तो फिर उसके बाद उन्होंने उस चीज को गंभीरता से लेते हुए उस पर कार्य किया। टूरिस्ट एरिया है पर बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं टूरिस्ट के साथ रहने में। बच्चे हैं वो एक छोटे लालच के लिए चॉकलेट्स, पेंसिल, पेन, इन सब चीजों के लिए और कुछ पैसों के लिए उनके साथ रहना पसंद करते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो आज आपको टूरिस्ट के पीछे एक भी बच्चा दिखाई नहीं देगा।
आधार ने बच्चों के शोषण के खिलाफ काम किया, उन्हें एजुकेशन से जोड़ा। जो लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी थीं, उन्हें जीवन कौशल की ट्रेनिंग देकर सिलाई, पार्लर, टैक्सी ड्राइवर और होटल जैसे कारोबार में नौकरियां दिलाई। आधार अब तक इलाके की 70 लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुका है, इनमें से कई लड़कियां जॉब कर रही हैं। हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में तो इन लड़कियों के घर वाले भी राजी नहीं थे। जैसे तैसे छुपते छुपाते पहले ट्रेनिंग दी गई, बाद में घर वालों ने भी इनकी इन कोशिशों को सिर आंखों पर लिया। क्योंकि हमारे यहाँ होटल को अच्छा नहीं माना जाता, बुरा कहते हैं, होटल लाइन अच्छी नहीं होती। फिर हम लोगों ने झूठ बोलना पड़ा अपने घर में, तो फिर घर वालों ने हाँ बोल दिया। फिर हम लोग फिर बहुत कुछ सीखा, बहुत सहारा दी थी। पहले तो बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब हम भी जॉब कर रहे हैं तो घर में बहुत मदद मिल जाती है। खजुराहो में टूरिज्म को लेकर अपार संभावनाएं हैं। आधार ने यहाँ की बेटियों को तराश कर हीरा बना दिया है। बेटियाँ टूर ट्रेवल से लगाकर अतिथि सत्कार तक अपना करियर बना रही है। फिर हम लोग आधार संस्था से मिले, आधार संस्था ने हम लोगों को जॉब बताई महाराजा ट्रेन की, जिसमें वेलकम करना होता है। हम लोग जाते हैं वहाँ, वेलकम करते हैं, तिलक करते हैं, कुंभ माला डालते हैं। फिर आधार संस्था ने संस्था की वजह से ही हमें एक न्यू जॉब मिली ऑपरेटिंग की ट्रेवल एजेंसी में, तो इसके कारण हम लोग दोनों जॉब कर रहे हैं। आधार चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कई तरह की गतिविधियां चला रहा है। गरीबी और भुखमरी के लिए बदनाम बुंदेलखंड के 3 जिलों पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में आधार ने कई बच्चों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और इन्हें इंसाफ दिलाया। आधार कई जगह पर लर्निंग सेंटर संचालित कर रहा है, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उन्हें खेल खेल में पढ़ाया जा सके, साथ ही उन्हें अपनी सुरक्षा और अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया जा सके। तब हम लोग यहाँ पे उनको खेल खेल में भी ऐसी बहुत सी बातें सिखाना, अपने प्रोटेक्शन के बारे में बताना कि अगर कभी कोई इंसान आपसे बात करता है तो आपको कैसे पता चल सकता है कि वो सुरक्षित है। कोई छोटा बच्चा है तो कोई उसको टच के थ्रू क्या वो सुरक्षित है या नहीं है, गुड टच या बैड टच, ये होता है। आधार ने बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए न सिर्फ बच्चों की फौज तैयार की है, बल्कि महिलाओं को भी इनकी महती जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है कि किसी बच्चे के साथ शोषण हुआ है तो उसके खिलाफ कानून के दरवाजे तक जाकर लड़ाई लड़ी जाए। किसी बच्चे का शोषण हो रहा है, मारपीट हो रही है, जो भी है उसकी FIR करवाते हैं। स्पर्श और बुरा स्पर्श क्या है इसके बारे में बताते हैं, और जो आई कॉन्टेक्ट जो है, जैसे बच्चियों को जो स्कूल जाती हैं नजर नीचे कर लोगी तो वो अपन को कमजोर समझेगा। बच्चे का हत्या हुई थी तब हमारी टीम जाती है और उसमें मदद करती है। आधार की महरून सिद्दीकी ने खजुराहो के होटल कारोबारी, पुलिस और गाइड्स के साथ मिलकर बच्चों के प्रोटेक्शन की अलग जगाई है। भीख मांगने वाले और शोषण का शिकार होने वाले बच्चों की हिफाजत के लिए पुलिस भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मेहरून निसा वगैरह जो इस ग्रुप से हैं, जो लोग जब भी किसी चीज के लिए हम लोगों को कॉल करते, पूर्ण सहयोग इस संस्था का कर रहे हैं। आधार बुंदेलखंड के बच्चों के लिए एक जीवन आधार बन गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ उन्हें जीवन की गाड़ी को खींचने का हुनर सिखाया जा रहा है। बच्चों को नई मंजिलों तक पहुंचाकर सही मायने में अपने मिशन की सार्थकता को साकार कर रहा है।